और उस लाइट माइक्रोस्कोप में उसने सबसे पहले स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लाइक इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और हुक ने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया उसके अंदर एक हनी कॉम्ब यानी शहद की मक्खी का एक छत्ता सा उसने ऑब्जर्व किया था, और उसके अंदर हनी कॉम्ब के अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट और हिस्से बने थे उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसने सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था ताकि उसको एग्जामिन कर सके। उसने तब इस जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे उनको उसने नाम दिया था, कॉर्क के अंदर जो पाए जाने वाले फ्रेगमेंट्स हैं कंपार्टमेंट हैं उसको नाम दिया उसने सेलोली। तो बाद में ये जो टर्म है जो उसने यूटिलाइज की थी फॉर द कंपार्टमेंट्स फाउंड इन कॉर्क, उसने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेलोली का। और यही जो टर्म जो सेलोली की टर्म है वो बाद में सेल के तौर पर अपियर होना शुरू हो गई, यूटिलाइज भी होना शुरू हो गई। जो पहली लिविंग सेल्स हैं जो सबसे पहले जो उसके चंद सालों के बाद ऑब्जर्व किए गए वो एक और नेचुरलिस्ट है, डच नेचुरलिस्ट एंथनी वान लियोन हुक है, और उसने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया फर्स्ट लिविंग सेल। उसने ये ऑब्जर्व किया कि टाइनी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी वो पॉन्ड वाटर्स में पाए जाते हैं जो कि ये सेल्स पर मुश्तमिल हैं, और उसने माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन के बाद उन टाइनी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया एनिमल क्यूल्स का। स्टूडेंट यू कैन लर्न दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 55। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।